जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ऐसा फार्म दिखाएंगे हमारे भाई का जो बहुत ऊंचाई ऊपर है और यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं और ये भी काम समर टाइम में ही होते हैं और यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। मैं तो थक जाती हूँ बहुत जल्दी। कृष्णा के पापा बोल रहे थे कि चलो मैं सबको दिखाता हूँ कि राधा कितनी जल्दी थक जाती है। तो नहीं, अभी हम चलेंगे यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप भी थी और तो थोड़ा अभी पहुँचने वाले हम वहाँ पे क्योंकि ऊँचाइयों पर है और पूरा सीधा चढ़ना है तो थोड़ा सा धाप लगती है। तो कोई नहीं, अभी हम यहाँ पर पहुँचने वाले और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बच्चे देखो कैसे भागते हुए गए और मैंने पूरा चढ़ने से पहले मैं इधर से ही चढ़ जाती हूँ। तो जहाँ पर हम पानी स्टोर करने वाले फसल के लिए उसे दिखाती हूँ आपको। और मैं देखो कहाँ ऊपर चढ़ गई, तो पीछे से कितना सुंदर सा बैकग्राउंड दिख रहा है और अभी कुछ ही दिन में बारिश हो जाएगी तो बहुत हरा हरा मस्त दिखेगा। और ये देखो यहाँ पे पानी स्टोरेज करना है, इस समर ख़त्म होते ही पहले बारिश में ही इसे भर देंगे अच्छे से तो पूरे साल भर काम आता है फिर खेतों को पानी देने के लिए। यहाँ पे सीताफल की बाग भी लगाइए और सब थक गया, अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये पत्थर भी कितने बड़े बड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ही आपने देखा भी है जब मैं खेतों में पानी भरती हूँ तो वहाँ पे मट्टी कम रेट ज़्यादा है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है हमारे खेतों में इसी वजह से। तो ये बहुत सुंदर सा नज़ारा है और यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम जाता है। हम अभी पूरे पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी सी फसल आएगी इस साल। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से रेडी कर चुके हैं तो देखते हैं अभी आगे आपको दिखाते हैं पूरा ये नज़ारा। देखो बहुत सुंदर सुंदर से दिखाई देता है और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, बहुत करीब है इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है कैमरा में भी दूर है बट ये बहुत नज़दीक है हमें। और कृष्णा और राधे की तो पिकनिक बन जाती है जब भी मैं निकलती हूँ मेरे साथ भाग और मैं उनके सबसे आगे भागी थी तो वो भी निकल पड़े। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम कंपटीशन लगाते हैं और हर बार मैं उनको जीतने देती हूँ लेकिन आज मैं जीत गई और वो हार गए क्योंकि उनको पता चला कि कभी हारना भी होता है इसीलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे आके बैठ गए, बहुत भागते हुए आए इसीलिए थोड़ा रिलैक्स करें और फिर क्योंकि खेत की सैर करेंगे। तो चुप तो मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो करना ही होता। तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे तो मैं पत्थर के साथ खेलने लगी तो मेरी कॉपी राइट ये दोनों बस वही करते हैं आदित्य और कृष्णा। ये छोटा सा पौधा है लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सुकून दे रहा है क्योंकि बहुत धूप है बाकी और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे और पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये जो सीताफल के पौधे लगाए हुए हैं और देखो कितने इतने गर्मियों के दिनों में धूप काल में भी कितने हरे हरे क्योंकि इसको टैंकर से पानी दे रहे हैं अभी, ठिबक लगा हुआ है ठिबक सिंचन। और यहाँ को आपको नज़दीक से दिखाते हैं, इस पर देखो फूल भी लग गए और अभी इसमें बहुत अच्छे से फ्रूट भी लगेंगे और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और इस पर ज़्यादा कीड़ा वगैरह नहीं आती, बस फंगस आता है तो उसके लिए भी दवाई होती है, आप गौमूत्र के साथ ही उसे ख़त्म कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको ये खेत और पहाड़ों पर कितना मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत अपने आप ही अच्छा लगता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो कृष्णा देखो आपको हाय बोल रहा है और यहाँ पे जो पपीता लगाया था वो अभी धूप काल में ख़राब हो चुका है और देखो कितने छोटे छोटे और उसके पत्ते भी पूरे उड़ गए। कृष्णा दीदी देख रहे थे कि
कि कौन सी वाली अच्छी है, पर अभी पके ही नहीं है। और ये देखो नीम का पौधा बहुत छोटा सा है, और वहाँ पे अंदर खटिया डाली है और वहाँ से उसको कवर कर दिया है ताकि इसे बच्चे धूप में ना खेले यहीं पर खेले। तो यहीं पे खाना खाते हैं दोपहर का और यहीं पे खेलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अब भी खाना ख़त्म करके वहाँ पे खेलने के लिए अभी सीख गए। इतने सुंदर से बढ़िया से माहौल में बहुत देखो अपने आप स्माइल आती है सबके चेहरों पे, ये है इतना अच्छा। और यहाँ पे बहुत सुंदर टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड होता है। और यहाँ पे देख रहे मेरे पीछे ये बहुत बड़े बड़े पत्थर निकले यहाँ पे जो खेत का काम हो रहा था, तो और इसे तोड़ रहे हैं, और क्योंकि इसे तोड़ कर नीचे ला डालना है जाके, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी जगह ले लिए और इतने बड़े बड़े ये उठाए नहीं जा रहे, इसीलिए इसे तोड़ कर नीचे लेकर जाना है ना, बहुत कमाल की बात। और अभी भाई साहब देखिए तोड़ रहे से बाहर निकालना है इसे, फिर जाकर इसे निकल जाएगा। और यहाँ पे तो मैंने आपको पहले ही दिखाया पानी स्टोर करना है इसे पसंद, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है तो खराब ना हो जाए, वेस्ट ना रह जाए फसल लगाने से, इसीलिए पत्थर को तोड़ के नीचे लेकर जाना है। और इतने सब काम हो रहे हैं यहाँ पे, कोई बोलेगा कि यार तुम्हारा टाइम गांधी रेस्ट कर रहे होंगे, तो मैं उसे दिखा दूँ कि हम रेस्ट नहीं करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ काम शुरू होता है। और अभी ये सब होने के बाद मैं आपको ऊपर से नीचे की ओर लेके जाती हूँ अभी, और जहाँ पे दिख रहे हैं तीन ट्रैक्टर खड़े हैं, चलो वही चलते हैं अभी, तो वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलो देखते हैं आगे। हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक जेसीबी है जो एक काम करेगा और बाकी तीन ट्रैक्टर को भी काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने बोला ना यहाँ पे पत्थर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो अभी यहाँ और नीचे भी ऊपर से डालने से जो हम स्टोरेज करने वाले हैं पानी के लिए, तो उसमें से बहुत सारे पत्थर निकले जो यहाँ पे डाले हुए हैं, और वो भी खेत का बहुत बड़ा हिस्सा पत्थरों ने ले लिया है, तो उसे भी खेत से बाहर हटाना है क्योंकि थोड़ी थोड़ी जमीन भी बहुत मायने रखती है। टप्पू दगड़ो चलो यार निवडून काढा ये तो बड़ा है।
अभी आपने देखा कितने सारे पत्थर है यहाँ पे, जो जेसीबी उठा के ट्रैक्टर में डाल रहा है और ये ट्रैक्टर इसको बाहर खेत से बाहर कर देगा। तो इसी तरह से काम शुरू है, बहुत सारे काम ही जो धूप में भी नहीं रुकते। और ये आपको पता है, ये सुबह या शाम को काम नहीं करते, कितनी भी तेज़ धूप क्यों ना हो इनका काम थमता नहीं है। ये बहुत और ये जो है वो घंटों से आता है काम करने के लिए, तो तब तो उसके उसे थोड़ा भी हम रेस्ट करने नहीं देते जब घंटे का टाइम आता है। तो अभी हमने तीन तीन ट्रैक्टर लगाए यहाँ पे, इसको हटाने के बाद तुरंत दूसरा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जेसीबी ये नहीं सोचता कि मैंने ये कितने ट्रैक्टर भरे, ये बस ये सोचता है कि कितना घंटा हुआ है और उसी घंटे के हिसाब से उसे पैसे देने होता है। इसीलिए उसे बहुत जल्दी जल्दी में सब काम निपटा लेते हैं। और अभी भाई ट्रैक्टर लेके जा रहा है इसे खेत से बाहर करने छोड़ने के लिए, और अभी दूसरा ट्रैक्टर को मैं बुला रही हूँ आगे कि वो जल्दी से आ जाए, ताकि फटाफट से सारे पत्थर खेत से बाहर हो जाए। तो इसी तरह से काम शुरू रहेगा यहाँ पे, सारे पत्थर जब तक हटते नहीं खेत से, क्योंकि पूरी ज़मीन हमें खाली करनी है इतने सारे पत्थरों से। तो बस यही सब काम शुरू है अभी, तो यहाँ पे सब देखते हैं कि इसे कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं। और अभी देखो ये बाहर लेकर आया, और ये वेस्ट नहीं जाते ये पत्थर भी, हम इसे हमारे खेत के साइड में लगाएंगे, ताकि ये हमारी खेत की जो साइड के बांध होते हैं वो अच्छे से रहे। और अभी इसको धीरे धीरे करके पीछे ला के यहाँ पे छोड़ेंगे, और यहाँ पे देखो पूरा ऊपर है हम सड़क के पास, तो इतना भी पानी तो चूझ रहा है यहाँ पे, तो सही से रह गया हमारी खेत, इसी वजह से यहाँ पे डाल रहे हैं अभी। तो इस तरह से हमारे खेत में काम शुरू है अभी। यदि आपको अच्छे लगे हो हमारा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। हम फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।